बगी, बघीरा सब ठीक हो जाएगा। मोगली जरा मेरी मदद करना, हम अभी वापस आते हैं। उसकी हालत खराब है। हाँ, जहरीला कांटा उसके पंजे में बहुत गहराई में घुस गया है। क्या वो जहर बहुत खतरनाक है? पहले वो धीरे धीरे बघीरा को सुन कर देगा और फिर अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद बघीरा। तो तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? लेकिन ऐसा करने से जहर और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। पहले हमें एक गांठ बनानी होगी, उसके बाद हमें जरूरत होगी कुछ फ्रेंच पैनी फूलों की। उसका मरहम लगाने से जहर फैलेगा नहीं और मैं कांटे को निकाल सकूंगा। हमें फ्रेंच पानी के फूल कहाँ मिलेंगे? वहीं जहाँ हरजीत रहता है। उम्मीद है वो खड़ूस इस बार हमें अंदर आने देगा, पर तुम्हें पता नहीं कि वो कितना गुस्सैल है। नहीं, भागो यहाँ से, ये मेरा इलाका है। हे, जरा देखो तुम किससे पंगा ले रहे हो पहलवान। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मेरा मूड अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाक बैम, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर देता इस तरह। वो अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मुझे चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तुम देखना, जल्दी ही तुम दौड़ने लगोगे किसी एक एक पैंथर की तरह। बघीरा को इस हालत में अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा मोगली। चिंता मत करो, वो किसी से भी भिड़ सकता है, भले ही वो बीमार हो। किसने लिया मेरा नाम? आह का, कितना अच्छा हुआ कि तुम टपक पड़ी। मेरे दोस्त, मैं एक सांप हूँ, मैं रेंगती हूँ। तो फिर रेंगते हुए ही बघीरा के पास जाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआ है बघीरा को? जब तक हम दवा लेकर नहीं आते, क्या तुम उसके पास बैठ सकती हो? वो बीमार है। नहीं, पर उसके पंजे में एक जहरीला कांटा चुभ गया है। किस तरह का जहरीला कांटा, क्या वो मुझे दे सकता? देखो का, तुम बहादुर हो, है ना, और तुम होशियार भी हो। हाँ, ये मेरी सबसे खास बातें हैं। बघीरा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, जाओ ना का, प्लीज। माफ करना, मुझे कई सारे काम है। बुरा हुआ, पर मेरे पास बघीरा के साथ रुकने वाले के लिए एक सरप्राइज है, पर लगता है वो अब किसी और को देना होगा। एक सरप्राइज? ये मत सोचना मैं यही नाम के लिए कर रही हूँ। तुम भी मेरे फल चुराने चाहते हो? मेरे इलाके से भाग जाओ। पर हरजीत, ये मैं हूँ मोगली, तुम्हारा दोस्त। मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। सुनो, हम बस बघीरा के इलाज के लिए फ्रेंची पानी के फूल लेने आए हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे इलाके में पैर नहीं रख सकता। हे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मेरे बाद ये दोहराओ। इससे तुम ठीक हो जाओगे। क्या ऐसा बोलने से मेरा ये कांटा निकल जाएगा? इससे कहते हैं योगा का, ये है मेरी हीलिंग टेक्निक्स, ट्राई करो। जोर से और फीलिंग के साथ। मैं पेड़ों पर चलते हुए फूलों तक पहुंच जाऊंगा और हरजीत को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बेल है, ये वाली भी मेरी बेल है। अच्छा, क्या मुझे एक उधार मिल सकती है? ये एक इमरजेंसी है, मुझे बचाना है। ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, पर मुझे तुम्हारी इजाजत के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। ये कसरत बेहतर है, इसे कहते हैं सूर्य नमस्कार। क्या तुम्हें यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? तुम साथ नहीं दे रहे हो। क्योंकि इससे दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। चिम्प्स और उस बैजर के होते हुए ये मामला काफी मुश्किल होने वाला है। ये उसकी पूंछ है,
मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम जाकर फूल तोड़ लेना। पकड़ लिया, जाओ 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 बलू। पर वो उसकी पूंछ जैसी लग रही थी। हे, हरजीत की पूंछ! अगर हम दोनों को लगा कि ये हरजीत की पूंछ है तो शायद हरजीत को भी लगेगा कि ये उसके जैसे किसी की पूंछ है, तो शायद वो उसका पीछा करे। उसे तो ये भी लग सकता है कि ये पूंछ किसी मिस हनी बैजर की है, और अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आवाज सुनो शरीर की। मैं तो सुन रहा हूँ, पर मेरा शरीर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है। हे, तुम्हें पूरा ध्यान लगाना होगा इसमें। नहीं नहीं चलेगा, ऐसे करो। मिस, हेलो, मेरा नाम है हरजीत। तो तुम्हें नाचना पसंद है? मिस, बैजरीना, तुम्हारी मस्तानी पूंछ देखकर तो मेरा शहद पीने का मन कर रहा है। बैजरीना। बैजरीना। बैजरीना, कहाँ हो तुम? देखो बघीरा, हम जरूरत का सारा सामान ले आए। आखिर वो है कहाँ? हम उसके मन की शांति के लिए कसरत कर रहे हैं। बघीरा, बघीरा! बस दो कॉइल्स के बाद वो बच जाता, तुमने सब बर्बाद कर दिया। कहाँ चली गई तुम? सामने आओ ना। बगी, ये मैं हूँ। बगी, बगी, मैं जानता था एक छोटा सा कांटा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम सब मेरी कीमत ही नहीं समझते। मैं बहुत खुश हूँ, हमने उसे बचा लिया, हमने उसे बचा लिया। एहसान फरामोश कहीं के, सिर्फ योगा का की वजह से तुम जिंदा हो। अगर मैं नहीं होती तो थुक, थुक, थुक। तुम्हारी जबान पेट में गिर गई है क्या का? बेकार, बेशर्म, बेदर्द, बेईमान, एहसान फरामोश जानवर। ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरे दोस्त को नहीं खाना चाहिए था। मुझे परेशान मत करो बेवकूफ हनी बैजो। तुम जरूर वो सरप्राइज होगे जिसका बल्लू ने वादा किया था। नहीं हरजीत, इस बेदर्द अजगर ने मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त को खा लिया। नहीं हरजीत, का ने किसी को भी नहीं खाया, वो बस एक फर्न था और कुछ नहीं। इसे बचाने के लिए झूठ मत बोलो। तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। से बताओ कैसी रही का?
माफ करना हरजीत, वो बस एक फोन था। देखो तुमसे बचकर फूल लाने का यही एक तरीका था। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढता हूँ। बैजरीना, मिस हनी बैजर, तुम कहाँ हो?